हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सचिन सिंह है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इंजीनियरिंग करना होता है तो सबसे पहले आपके माइंड में आता आईआईटी कॉलेज। तो आज हम लोग इस वीडियो में आईआईटी के बारे में ही बात करेंगे। मैं आप लोग को आज इस वीडियो में आईआईटी के बारे में पूरा जानकारी दूंगा, लाइक आईआईटी होता क्या है, आईआईटी कब होता है, आईआईटी देने के लिए आप लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, आईआईटी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एक्सेट्रा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू। तो पॉइंट नंबर वन हम लोग का ये है कि आईआईटी होता क्या। तो आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं फिर से बोलता हूँ, आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अभी भारत में 23 आईआईटीज है, अभी इंडिया में टोटल 23 आईआईटी है, जिसमें नंबर वन में आईआईटी इंदौर है, फिर आईआईटी मुंबई, फिर आईआईटी दिल्ली, ऐसे ऐसे करके इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज है। तो सबसे पहले इंडिया में आईआईटी बना था कलकत्ता में, जिसका आईआईटी का नाम था आईआईटी खड़गपुर। और आईआईटी खड़गपुर 1954 में बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आईआईटी को बनाया था। तो ये रहा आईआईटी का इतिहास। तो चलिए अब पॉइंट नंबर टू के बारे में बात करते हैं कि आपको आईआईटी देने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आईआईटी देने के लिए आपको क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th का बोर्ड का रिजल्ट चाहिए। अगर आप लोग 12th पास है वो भी साइंस से, तो आप आईआईटी दे सकते हैं। लेकिन सबसे मस्ट इसका यह है कि आपका बोर्ड में 75% रहना चाहिए, 75% आपका मस्ट होना चाहिए बोर्ड में, तभी आप आईआईटी का एग्ज़ाम दे पाएंगे, आईआईटी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि आईआईटीस के एग्ज़ाम होता कब है, कब होता है। तो आईआईटीस के एग्ज़ाम दो बार होता है, यानी आप लोग को दो चांस मिलता है। एक जनवरी में होता है पहला फेस, और दूसरा फेस होता है आपका मार्च में, मार्च या अप्रैल में। तो जनवरी में जो फेस होता है, अगर आपको उसमें अच्छा नहीं हुआ तो आपको एक दूसरा चांस मिलता है कि आप दूसरे बार में कर सकते हो। जो मार्च वाला होता है उसमें आप अच्छा कर सकते हो। तो फोर पॉइंट में बात करते हैं कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता कैसे है। तो आपका अगर आईआईटी में एडमिशन करना है तो सबसे पहले आपको जी मेन क्लियर करना पड़ेगा। जी मेन अगर आपका क्लियर हो गया, आपका जी मेन्स में अगर 98% आ गया, तो उसके बाद आप जी एडवांस के लिए बैठेंगे, आप जी एडवांस का एग्ज़ाम देंगे। अगर जी एडवांस में अगर आपका अच्छा हुआ मार्क्स, तब आप आईआईटी में आपको फाइनली आपका आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग को जी मेन क्लियर करना पड़ेगा, वो भी जी मेन में आपको 98 या 90 से अबव आपका परसेंटाइल रहेगा, तब आप जी एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जी एडवांस में क्वालिफाई मिलने के बाद आपको नॉर्मली आपको आईआईटीज मिल जाएंगे 23 आईआईटीज में। अगर आप अच्छा रैंक अगर आपका हुआ तो उस हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपका बोर्ड में 78% मस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग होता है, जब जी एडवांस में जब आपका काउंसलिंग होता है, उस समय 75% अगर आपका नहीं रहा, अगर आप आईआईटी क्लियर कर भी दिए लेकिन आपका 75% नहीं रहा, तो आप आईआईटीज नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आप आईआईटी का फॉर्म कब भरते हो। तो आईआईटी का फॉर्म अगर आपका जनवरी में फर्स्ट फेज एग्जाम है जनवरी में, तो आईआईटी का फॉर्म नवंबर दिसंबर में निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको आईआईटी का फॉर्म भरना चाहिए। तो आईआईटी का फॉर्म में क्या क्या चाहिए, तो आईआईटी का फॉर्म में आपको सिर्फ एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ में आपका एक आधार कार्ड, और आपका उस समय तो 12th का रिजल्ट निकलता नहीं है, और आपका कुछ इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये सब होता है आईआईटीज का फॉर्म के लिए, ये सब नीडर रहना चाहिए। लेकिन आधार कार्ड मस्ट रहना है, एक आइडेंटिटी कार्ड आपका एक तो मस्ट रहना चाहिए, आधार कार्ड आपका करेक्शन रहना चाहिए, नहीं कि कुछ भी गलत उलत नहीं, आपका आधार कार्ड एकदम करेक्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, सिक्स पॉइंट पे हम लोग ये बात करते हैं कि आईआईटी का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। तो आईआईटी का एग्ज़ाम में आप लोग को 3 घंटा मिलेगा, यानी आप लोग को आईआईटी का एग्ज़ाम में 3 घंटा 3 आवर मिलेगा, जिसमें आप लोग को 3 पेपर करना होगा, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 3 पेपर मिलेगा आप लोग को 3 घंटा, यानी एक पेपर 1 घंटा का रहेगा। और अभी जिस तरह से अभी न्यू पैटर्न चेंज हुआ था अभी आईआईटीज में, पहले तो 30 क्वेश्चन था, लेकिन अब 25 क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें से 5 जो है वो इंटीजर्स टाइप क्वेश्चन मिलेगा, और जो 25 हुआ है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, यानी आपका 4 आपका ऑप्शन रहेगा जिसमें एक सही रहेगा। वैसा आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और 5 इंटीजर्स टाइप, यानी उसमें आप लोग को नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू में आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों, ये आईआईटी का पैटर्न्स हो गया कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है आईआईटी। तो अभी आईआईटी सब ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होता है, आपको एक सेंटर दे दिया जाएगा, आपको सेंटर बताया जाएगा, उसमें आप लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा आईआईटी का। सो 7th पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आप लोग को आईआईटी अगर जी मेन आप लोग दे रहे हो, तो आपको उसमें कट ऑफ कितना रहना चाहिए।
अब तो जी मेंस का कट ऑफ कितना, तो अभी नॉर्मली अभी जिस तरह से अभी मार्क्स कम हुआ था तो नॉर्मली अभी 70 से लेके 75 का जी मेंस का कट ऑफ है, यानी आप 70 से 75 अगर आ गया आपका तो आप जी एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। 70-75 आउट ऑफ 300 में से आप लोग को 70 या 75 लाना है। नॉर्मली सब सोचते हैं ये बहुत ही ईजी है, 70-75 लाना बहुत ईजी है, लेकिन ये ईजी नहीं है, बहुत ही हार्ड है। हार्ड भी नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ये आप लोगों के लिए ईजी है, लेकिन आप बिना स्टडी किए आप एग्जाम दोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही हार्ड है। तो दोस्तों हम लोग 8 पॉइंट में बात करते हैं। तो अगर आपको IIT कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो आपको उसमें एडवांटेज क्या क्या मिलेगा। अगर आप लोग को IIT कॉलेज में मिल गया, एक तो आपका फिक्स हो गया कि आपका एक बहुत अच्छा जॉब आपको फ्यूचर में मिल रहा है, यानी IIT कॉलेज में बहुत बड़े बड़े कंपनी प्लेसमेंट करते हैं, लाइक गूगल्स और भी बहुत बड़े माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल्स, बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं वो IIT कॉलेज में प्लेसमेंट करते हैं, यानी आपका जॉब का कोई टेंशन लेना नहीं, आपका जॉब मिल जाएगा और एक आपको एक बहुत बड़ा इज्जत मिलेगा, आप एक IITian हो जाओगे, आपका बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी IITs बहुत ही फेमस है। इंडिया में तो फेमस है ही और पूरे विदेश में भी IIT बहुत ज़्यादा ही फेमस है। लाइक सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं वो भी एक IITian है, ऐसे बहुत सारे IITian हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जो अभी प्रेजेंट दिल्ली के CM हैं वो भी एक IITian है। तो बहुत बड़े बड़े जो IITians हैं वो बहुत बड़े अलग अलग फील्ड में, बड़े बड़े फील्ड में अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं, तो IIT का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू, अगर आप IIT से इंजीनियरिंग करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। तो IIT से इंजीनियरिंग करना बहुत ही अच्छा होता है, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों हम लोग लास्ट पॉइंट में ये बात करते हैं कि हर एक साल IITs में कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। तो अप्रॉक्स हम लोग बात करें तो हर एक साल IITs में 12 से 13 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। ये अप्रॉक्स था कि अभी ये फिक्स नहीं है कि कितने देते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्स था कि हर एक साल IITs में 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें सिर्फ 15,000 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होता है, यानी आपका 0% भी चांस नहीं होता IITs में एडमिशन का, लेकिन तो भी हर एक साल इसमें 12 से 13 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। तो आप इससे इस नंबर से आप ये पता कर सकते हो कि IITs का कितना वैल्यू है। तो अगर आप इस IITs अगर आपको फाइनली एक IIT कॉलेज मिल गया तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा अगर आप IIT से इंजीनियरिंग करोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी IIT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर इसका आंसर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।